यूपी के बाद पथ में अपराधी भी लाइसेंसी असलहे लेकर धमक जमा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा ऐसे अपराधियों के नाम सामने आ रहे, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी के आरोपी व तस्कर शामिल हैं। ऐसे मामले पकड़ में आने के बाद अब इन सभी के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी पुलिस ने तेज कर दी है। आइए आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल एक शराब तस्कर ने केस दर्ज होने के बाद नाम बदलकर फर्जी कागजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनवा लिया था। इसका खुलासा एक महीने पहले तब हुआ जब उसने सीमा विस्तार के लिए फाइल शुरू की। एसपी कार्यालय में जांच में मामला पकड़ गया। इसके बाद केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह का मामला पकड़ में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कराई तो कई और चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें ऐसी लोगों की सूची तैयार की गई जिनके खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन इसके भी उनके पास लाइसेंसी हथियार है। जिले में ऐसे 221 लोग मिले हैं जिन पर केस दर्ज होने के बाद भी लाइसेंसी हथियार है। पुलिस की माने तो करीब 50 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, तस्करी, लूट के गंभीर मामले दर्ज हैं। बागपत जिले में हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी के आरोपी व तस्कर भी लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहे हैं। ऐसा कोई एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा लोग हैं। अब ये मामला पकड़ में आने के बाद इन सभी के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। बागपत के एसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार ऐसे सभी लोगों की रिपोर्ट तैयार कराकर लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।